देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अन अकेडमी वेबसाइट या ऐप पर जाकर अमित दीक्षित सर्च करें और वहां पर फॉलो के बटन पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं बेस्ट एजुकेशन के लिए। हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन। इस समय आप देख रहे हैं कोर्स 507 की इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स की ये सीरीज। इस सीरीज में हम कोर्स 507 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप इन लेक्चर सीरीज को जरूर देखिए ताकि आप शुरू से ही बेहतर तैयारी कर सकें। कोर्स 506 की भी लेक्चर सीरीज चल रही है, हम दो यूनिट कवर कर चुके हैं और इनको आप देख सकते हैं, तो आप जरूर देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज आपको अन अकेडमी पर चल रही है, तो आप अन अकेडमी की लिंक्स भी नीचे चेक करें और हमें वहां पर फॉलो कर लें, जिससे आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यूनिट वाइज इस बार हम कवर करा रहे हैं तो आप देख सकते हैं। और असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो सभी लिंक्स इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं, जरूर देखें और आपके सभी परेशानियों का हल आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस लेक्चर को कवर करते हैं। और आज हम जिन टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है समाज और शिक्षा का जुड़ाव। ये टॉपिक है कोर्स 507 के ब्लॉक 1 यूनिट 1 के टॉपिक हैं, ये इकाई 1 का टॉपिक है, तो इसकी तरफ आज बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर समाज और शिक्षा के जुड़ाव की हम बात कर रहे हैं तो इस टॉपिक में देखिए शिक्षा और समाज किस तरह से संबंधित है इस बात को हम समझेंगे। अब बात यह आती है कि शिक्षा को लेकर हम सभी जानते हैं कि समाज की एक मुख्य आधारशिला है ये, और समाज से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। अगर शिक्षा ना हो तो समाज का अस्तित्व ही आज हमारे सामने ना होता, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितनी भी आज हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिरता देखते हैं और वृद्धि देखते हैं वो एक शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही है। आधुनिक समाज की बात करें तो आज विज्ञान, टेक्नोलॉजी, हर जगहों पर आप किसी भी क्षेत्र में बात करें तो शिक्षा के बिना किसी भी तरह की विकास को हम संभव नहीं मान सकते। आज संस्कृति हो, चाहे आपका कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आपको शिक्षा का प्रभाव देखने मिलता है और शुरू से ही था, आज कहीं ना कहीं इसका और ज़्यादा बढ़ गया है। और जितनी भी परिवार हैं या समूह हैं या जाति हैं या कोई भी धर्म संप्रदाय हैं, इस बात से वास्ता रखते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा ने उनके सांस्कृतिक, सामाजिक विकास को आगे ले गई हैं और उसको फ़ायदा पहुंचाया है। जॉन डेवॉय इसके बारे में कहते हैं कि उन्होंने दो इसके बारे में एक रचनाएं की थी, एक था विद्यालय और समाज 1899 में उन्होंने कहा, और प्रजातंत्र और शिक्षा 1961 में इसकी रचना की। तो इन दोनों में ही उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कहीं कि किस तरह से समाज, प्रजातंत्र, शिक्षा और विद्यालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों के बारे में उन्होंने व्याख्या की। सामाजिक प्रगति जो भी हो कहीं ना कहीं प्रजातंत्र के विस्तार की वृद्धि का पोषण करती है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इसके अलावा कुछ अन्य विचारक रहे, ये विचारकों के नाम आप ज़रूर याद रखें क्योंकि ये आपसे MCQ के तौर पर पूछे जा सकते हैं, जिन्होंने शिक्षा और समाज के प्रति अपना विचार व्यक्त किए हैं। तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, M.K. गांधी, राधाकृष्णन M.K. गांधी जी हैं और पियरे हैं इसमें। तो काफ़ी कुछ नाम हैं, इन नाम को सबको आप हो सके तो याद रखिएगा, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व दी MCQs इफ़ इट्स पॉसिबल। तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, शिक्षा एक सामाजिक कार्य। तो शिक्षा के सामाजिक कार्य को समझने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा किस तरह से समाज में अपना कार्य करती है। तो देखिए, शिक्षा हम सभी जानते हैं कि वो सभी लोगों से संबंधित है। अगर समाज, समुदाय में हम बात करें तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, जिससे शिक्षा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जुड़ी ना हो और उसको फ़ायदा ना पहुंचा रही हो। तो जॉन डेवॉय ने इस चीज़ को समझा जो, और उन्होंने सामाजिक ज़रूरत होने के नाते समाज के कुछ मुख्य कार्यों को यहाँ पर बताया है। तो ये मुख्य कार्य क्या हैं ये हम समझ लेते हैं कि किस तरह से ये शिक्षा समाज में अपना प्रचार प्रसार करती है और अपना आगे योगदान देती है। तो पहला, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने लिया है संस्कृति का संचारण। संस्कृति के संचारण की हम बात करें तो इसका मतलब है कि किस तरह से एक पीढ़ी अपनी दूसरी पीढ़ी को अपने ज्ञान, अपने समझ, अपनी जो भी उन्होंने परंपराएं सीखी हैं, जो कौशल सीखे हैं और जो ज्ञान लिया है उसको दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करती है। तो इन्होंने इस चीज़ को बताया है कि ये जो भी चीज़ होती है कि जिस तरह से एक पीढ़ी अपने ज्ञान, अपनी समझ, अपने कौशल, अपनी परंपराओं को
दूसरी पीढ़ी को प्रदान करती है, उसमें शिक्षा ही होती है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही समाज की एक पीढ़ी अपनी संस्कृति, अपनी जो ज्ञान है उसको आगे दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, अर्थात उसका संचारण करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समाज और शिक्षा के बीच सबसे सामान्य जुड़ाव है संस्कृति, क्योंकि संस्कृति देखिए क्या है, संस्कृति है समाज और शिक्षा के मतलब संस्कृति को अगर हम समझें तो समाज और शिक्षा के साथ इसके संबंधों को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। संस्कृति अपने आप में एक इतनी व्यापक चीज़ है, अगर हम संस्कृति की बात करते हैं तो एक बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, पहनावे से लेकर धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, काफ़ी कुछ एक संस्कृति को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर मानव समाज की हम बात करें तो इसमें बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं इन संस्कृतियों का जो ज्ञान का स्थानांतरण है वो ज़रूरी है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों में ये जो इनका अस्तित्व है, जो विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का, वो बना रहे। आज हम इतनी सारी संस्कृतियाँ देखते हैं दुनिया में, वो इसी का कारण है कि शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान, जो भी मान्यताएं हैं, जो नियम हैं, जो नैतिकताएं हैं, जो रीतियां हैं, उनको आगे स्थानांतरित किया गया है, और इसी वजह से आज हमें इतनी विविध प्रकार की संस्कृतियां और सामाजिक स्ट्रक्चर देखने मिलता है। तो यहाँ पर इसके लिए कई तरह की एजेंसियां हम कह सकते हैं, अब इन्होंने क्या किया है, जो परिवार, समुदाय या अन्य तरह की जो संस्थाएं हैं जहाँ से एक व्यक्ति अपना ज्ञान लेता है, अपने नियम सीखता है, उनको एजेंसियों का नाम दे दिया है। तो सामाजिक एजेंसियां हो गई हैं, ये हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा समुदाय, ये सभी सामाजिक एजेंसियां बताई गई हैं। तो ये याद रखें, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इनके माध्यम से हम शिक्षित होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी पहली पीढ़ी की ज्ञान, मान्यताओं, नियमों को आगे सीखते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर पॉइंट है कि किस तरह से एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति के बीच ज्ञान शिक्षा के माध्यम से ही संचारित होता है। तो ये था संस्कृति का संचारण, पहला पॉइंट। आगे चलते हैं असमानता और विषमता को घटाना। अब देखिए, असमानता और विषमता को लेकर हम सभी इस बात से तो क्लियर हैं कि किसी तरह का भेदभाव जो होता है, डिफरेंस जो होते हैं, कि कोई किसी भी तरह का असमानता क्रिएट करना, वो इस शब्द का मतलब है। अब शिक्षा इस चीज़ में बहुत बड़ा योगदान देती है। इसके बारे में कुछ पहले फैक्ट जानते हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि अगर हम हमारी समस्या का समाधान ढूंढ लें तो हम विश्व की समस्या का भी समाधान करने में मदद कर सकते हैं। और उन्होंने भारत के बारे में एक बात कही, भारत विश्व को उनके समाधान के लिए आग्रह कर सकता है और यह तो मानवता के लिए योगदान होगा। तो भारत इसमें, उन्होंने बताया था कि एक अहम भूमिका निभा सकता है इस चीज़ों में। शिक्षा जो है वो हमें ज्ञान प्रदान करती है और ज्ञान ही शक्ति होता है। तो समाज की समस्याओं का समाधान कर हम शिक्षा के क्षेत्र में एक सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि शिक्षा के माध्यम से बड़े बदलाव सामाजिक तौर पर हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। शिक्षा के माध्यम से ही हम ज्ञान अर्जित करते हैं और सशक्तिकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आज इसका अर्थ ये है कि हम आज समाज में जितने भी पिछड़े वर्ग थे, जितने भी ऐसे लोग थे, या कुछ ऐसी जो विषमताएं हमारे दुनिया में देखने मिलती थीं, तो वो आज कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से ही ख़त्म हो गई हैं। पहले शिक्षित लोगों का वर्ग अलग हुआ करता था और जो ऐसे संप्रदाय हैं जो शिक्षित नहीं हो पाते थे वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते थे और उनको सामाजिक आर्थिक विषमता का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज के समय में अगर शिक्षा ने सभी को एक बराबर ला के खड़ा कर दिया है, ये इस बेसिकली इस पॉइंट में इंक्लूड होगा जो आप इसका सार रहेगा, कि सभी लोग आज शिक्षा की वजह से एक समानता के स्तर पर आ गए हैं और जो विषमताएँ थीं वो ख़त्म हो गई हैं। इसमें ये बात की गई है कि सामाजिक आर्थिक विषमता के समय स्वतंत्रता के पश्चात कुछ संवैधानिक अनुच्छेद, यानी कि संविधान के अनुसार कुछ नियम बनाए गए। अनुच्छेदों के बारे में लिखा हुआ है, इनको याद रखिएगा। एक अनुच्छेद था 21A और 45, इसमें इस चीज़ को कुलीनतावादी जो उपागम था उसको बदल दिया गया और सशक्तिकरण की प्रक्रिया को महत्व दिया गया। तो इस अनुच्छेद के अनुसार ये जो असमानता थी इससे संबंधित कुछ नियम बनाए गए और सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया गया। और यहाँ पर यह बताया गया है कि जो सन 2000 के आसपास यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की जो विकास के लक्ष्य रखे गए थे, आठ मुख्य बातों को उसमें लिया गया था। और इन आठ मुख्य बातों में यहाँ दो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा थी। पहला,
सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना, यानी कि सभी को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, ये आप आज भी लागू होता है, आपने देखा होगा सर्व शिक्षा अभियान है, ये सब इसी का कारण है। और दूसरी है लैंगिक समानता, यानी कि किसी भी के व्यक्ति के साथ में लैंगिक असमानता ना हो, यानी कि लिंग के आधार पर उससे भेदभाव ना किया जाए कि लड़का है लड़की है या कोई और ऐसी असमानता ना क्रिएट हो। तो दो चीज़ें बहुत बड़े लक्ष्य रखे गए और इस पर फोकस किया गया। अब इन्हीं चीज़ों का अनुसरण करते हुए यहाँ पर यह बताया गया कि सर्व शिक्षा अभियान जो था उसको आगे बढ़ाया गया, महिला साक्षरता के लिए कई तरह की संस्थाएं बनाई गईं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इनकी स्थापना की गई, और भी कई ऐसे चीज़ों को इंक्लूड किया गया जो यहाँ पर इस चीज़ की इसको दूर करते हैं और किसी क्षेत्र में शैक्षिक विकास को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह से देखिए कि कई तरह की सामाजिक असमानताएं और विषमताएं जो भेदभाव थे वो मिटे शिक्षा के जरिए, और इसमें संविधान में कुछ नियम भी बनाए गए और कुछ प्रोग्राम भी चलाए गए। तो इन प्रोग्राम्स को आप याद रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये स्थापित किए गए, तो इस तरह के वर्ड्स आप याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको पेपर में याद रखवाने में मदद करते हैं। तो चलिए, ये था असमानता और विषमता घटाना, ये इस टॉपिक का नाम था। और आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन थर्ड पॉइंट है इसी दिशा में। तो देखिए, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन का मतलब ये है कि आज व्यक्ति का जो सामाजिक स्तर है या सामाजिक जो पहचान होती है वो कहीं ना कहीं शिक्षा से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। आज आपने देखा होगा शिक्षक व्यक्तियों का एक स्तर बन जाता है कि उसको इनको एक अलग तरह का सम्मान मिलता है, और इसी वजह से एक सामाजिक गतिशीलता भी क्रिएट होती है कि वो इस तरह के जो लोग हैं वो शिक्षा शिक्षित लोग हैं या शिक्षा से जुड़े लोग हैं या इस तरह से वो एक्टिवली समाज के परिवर्तन में काम करते रहते हैं। तो यहाँ इन्होंने ये बात की है कि सामाजिक गतिशीलता के लिए दो महत्वपूर्ण कारक बताए हैं, तो वो है एक तो शिक्षा और दूसरी है आय, आय की स्थिति। तो हम ये बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आज हम समाज की बात करें तो हम किसी शिक्षित व्यक्ति को और किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी आय अच्छी है, जो कि हम कह सकते हैं साधारण शब्दों में जिसके पास कमाई है, पैसा है, तो उनको एक अलग स्तर पर पहचान देते हैं, उनको अलग सम्मान मिलता है, और ये एक सामाजिक गतिशीलता में आपको आगे बढ़ा देता है। यानी कि जिसके पास पैसा और शिक्षा है वो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर उसकी जो एक्टिविटी है उसको रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलेगा और कहीं ना कहीं उसको पार्टिसिपेट करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। शिक्षा किसी भी शैक्षिक व आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करती है, और स्वतंत्रता के पश्चात यही कोशिश की गई, शिक्षा के अवसर समान रूप से अगर मिलेंगे तो ये बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो इनका ये मतलब मेन आप पॉइंट याद रखिएगा, इसमें एक शिक्षा और एक आय की स्थिति सामाजिक गतिशीलता में सबसे बड़ा कारण है, यानी कि इन दो फैक्टर्स के आधार पर किसी व्यक्ति के सामाजिक परिवर्तन लाने की उनकी एबिलिटी बढ़ जाती है, यानी उसकी क्षमता बढ़ जाती है, और सामाजिक तौर पर उसका स्तर भी बढ़ जाता है, और वो कितना एक्टिव रहेगा ये सब भी शिक्षा और आय इन दो साधनों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो ये बिल्कुल सिंपल एक लाइन में समझें, जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास पैसा है एक तरह से, वो बहुत कुछ बदलाव कर सकता है सामाजिक परिवर्तनों में और सामाजिक तौर पर गतिशील बना रह सकता है। इस एक लाइन को याद रखें, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लिख सकते हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं नवीन ज्ञान का विकास। अब देखिए, नवीन ज्ञान का विकास शिक्षा से किस तरह से संबंधित है। शिक्षा वैसे तो हमें जो कुछ देती है नवीन ज्ञान देती ही है, हम जो कुछ सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट यह है कि समाज से जोड़कर हमको उसको समझना है। तो इसका मतलब यह है कि आज हम समाज में जो भी परिवर्तन देखते हैं, आज नए नए आविष्कार आ गए हैं, नए नए मान्यताएँ हों या जो भी चीज़ें आज नए बदलाव समाज में देखने मिलते हैं, उनको सीखना, उनको समझना कहीं ना कहीं शिक्षा के द्वारा ही संभव है। आधुनिक समाज में ऐसी बहुत सी खोज हो गई हैं, ऐसे बहुत से आविष्कार हो गए हैं जिसको अगर हम अपनाना चाहते हैं तो शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, और शिक्षा के माध्यम से ही हम इन नवीन पद्धतियों को सीख सकते हैं। प्राचीन विकास में जो भी धातु या आग या पहिए जो बनते हुए हमने देखे हैं वो प्रारंभिक ज्ञान था, और फिर जैसे भोजन को इकट्ठा लेकर किसी समाज को एक आगे बढ़ाया गया है यहाँ पर, उसी प्रकार मानव के इतिहास में नवीन ज्ञान के बहुत से उदाहरण मिलेंगे। यानी कि इन्होंने ये बताया कि प्राचीन समय से जिस तरह से हम देख रहे हैं ये चीज़ें, और प्राचीन समय में जिस तरह से हमने धातु, आग, पहिए इन बनते देखे, फिर किस तरह से भोजन
को लेकर लोग इकट्ठा करते थे, कृषि तक पहुंचे यानी कि खेती तक पहुंचे। तो मतलब बेसिकली शिक्षा बदलाव लाती रही है। आज के युग में इंटरनेट, मल्टीमीडिया, संचार के साधन हैं या कई तरह की टेक्निक हैं, वो शिक्षा इनको आगे बढ़ा रही है और शिक्षा के माध्यम से लोग दूर दूर के क्षेत्रों तक इनको सीख रहे हैं। तो ये नवीन ज्ञान का जो सृजन हो रहा है वो शिक्षा की वजह से ही हो रहा है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर व्यक्तिगत विकास। अब देखिए ये सारी चीज़ें इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं कि हम जो कुछ भी विकास करेंगे, एक समाज की तो बात हो गई लेकिन एक व्यक्ति का भी विकास होता है अगर वो शिक्षा सीख रहा होता है। तो शिक्षा बच्चों को शिक्षण कौशल प्रदान करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, उनके शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें तैयार करने में मदद करती है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग को प्रदान करती है। तो ये एक बिल्कुल साधारण बात है कि व्यक्तिगत तौर पर मनुष्य शिक्षा के जरिए कैसे विकास करता है, कैसे उसकी समझ बनती है, कैसे उसको आचरण करना है समाज में, कैसे अपने आप को आगे ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति सीखता है। इसीलिए हम अपने बच्चों को और ख़ुद भी कई तरह की शिक्षाएँ ग्रहण करते हैं। तो यदि समाज में शिक्षित लोगों की कमी है तो समाज अपनी आगे की प्रगति को आगे नहीं ले जा पाएगा, बेसिकली प्रगति को। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर जो सभी चीज़ें सीखनी है, हर फैक्टर्स को सीखना है, तो व्यक्तिगत विकास शिक्षा के द्वारा सबसे ज़्यादा होगा। तो इन पूरे पॉइंट में ये बताया गया है कि शिक्षा प्रणाली में औपचारिक या अनौपचारिक या गैर औपचारिक तरीकों से शिक्षा बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, और अनौपचारिक शिक्षा जो हम विद्यालयों में नहीं रहते या फिर कहीं और से सीखते हैं, लेकिन शिक्षा के संग कनेक्शन बहुत गहरा है। शिक्षक और विद्यार्थियों के जो रिश्ते हैं आजकल बदल गए हैं और शिक्षण के तरीके भी बदल गए हैं, लेकिन शिक्षा का जो महत्व है वो नहीं बदला है। और इसका डिग्री डिप्लोमा से कोई संबंध नहीं है, ये शैक्षिक शिक्षा से ज़्यादा, मतलब जो स्कूलों में मिलती है उसके अलावा भी हमें कई तरह की चीज़ों से मिल सकती है। तो ये यहाँ पर बताया गया। उन्होंने ये भी बताया है कि जो विकसित देश हैं उनमें काफ़ी परिवर्तन हुए हैं शिक्षा को लेकर, जो विकसित देश हैं, जो विद्यालय की जिसमें विद्यालय जनसंख्या कम है, वहाँ पर कम विकसित देश जो हैं वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, यानी कि कम विकसित देशों ने शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा तरक्की की है कंपेयर टू विकसित देशों के, ऐसा एक रिपोर्ट के अनुसार है। तो यानी कि ये चीज़ आगे बहुत बढ़ रही है और इसमें आगे और भी कुछ बदलाव देखने मिलेंगे। तो ये था शिक्षा और समाज का जुड़ाव हमने समझा, और शिक्षा के सामाजिक कार्य समझे कि किस तरह से शिक्षा समाज से संबंधित और सामाजिक तौर पर बदलाव ला रही है और क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, आपका एक असाइनमेंट का प्रश्न इससे तैयार हो जाएगा, आप जब देखेंगे तो वो भी आपको देखने मिलेगा। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। सो बस इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। आप 506 के लेक्चर्स भी देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दी गई हैं, और हमें यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर नहीं किया है, और प्रेस द बेल आइकन जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें, और अनअकैडमी पर भी हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।